on the News Track tonight. Firebrand Abhinetha Kangana releasing soon. She's ready to fight the 2024 elections. हिमाचल के लोग अगर चाहेंगे कि उनको चाहिए कि मैं मंडी से खड़ी हूँ तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, दिक्कत नहीं है, अगर पार्टी चाहेगी तो भी. मंडी वेलकम्स नेता कंगना. अगर वो राजनीति में आएगी तब भी तो हमारे लिए तो खुशी की बात होगी, गर्व की बात होगी और अब हम सबको अच्छा फील होगा. राजनीति में आएंगी तो हमें खुशी होगी, हमारे पड़ोसी हो रहे की वजह से हमें कोई उसका त्राल थोड़ा है. वो राजनीति में आएंगे तो बेशक हमें पता है कि वो उसमें भी अपना नाम कमाएंगे और हमारे गांव का नाम भी रोशन करेंगे. Can Kangana be the queen of Indian politics? Explosive exclusive on News Track with Rahul Kaval. Her fans admire her. They think Kangana is forthright. Her critics call her unruly. Kangana Ranaut has emerged as one of the most spoken of and yet controversial figures within Bollywood and outside. The actress now seems wanting to jumpstart her political career. She wants to make her debut from Mandi, her native district in Himachal Pradesh. Here's the full report. On Warpath. आपने कहा कि हर शख्स को एक मजबूत विरोधी चाहिए जो उसको इंस्पायर करता है कि वो और बेहतर करे. बॉलीवुड में आप अपना विरोधी किसको मानती हैं, जो आपको लगे कि बराबर का या टक्कर का एक्टर? नहीं तो तभी तो इट इज मी वर्सेस बॉलीवुड ना. एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, अ फोर्थराइट वुमन फॉर हर फैंस. And a right-wing confrontationist for her critics. Born in Himachal Pradesh's Mandi district, 35-year-old Kangana Ranaut has long been thought to be on the verge of joining politics. Having scotched the speculations for long, she finally dropped hints that she's open to the idea at our recent Panchayat Aaj Tak. Kangana Ranaut welcomed the political role in real life, if offered. कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिला कि अब देश के लिए कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, वो भी करेंगे. The Bollywood actor also pitched her native Himachal Pradesh for a possible political debut. ये हमारा भाग्य होगा कि हमें हिमाचल के लोग जो हैं किसी सेवा का मौका देंगे, अपना समझेंगे, तो डेफिनेटली सौभाग्य की ही बात मानी जाएगी. The BJP, a party Kangana Ranaut fervently admires, took the suggestion positively. With the caveat, though, that her candidacy for any election will be determined through the due process. उनका स्वागत है, अभिनंदन है. जहां तक लड़ने का सवाल है, ये अकेला मेरा फैसला नहीं होता है. इसमें आपको पता है कि right from the grassroots level, एक consultation का process चलता है. उस consultation के process के बाद फिर election committee, फिर parliamentary board तक जाता है विषय. Her native Bhambla village in Mandi welcomed the proposal warmly. बचपन से देख रहे हैं, जब से पैदा हुई है तब से लेके आज दिन तक. तो राजनीति में आएगी तो हमें खुशी होगी, हमारे पड़ोसी होने की वजह से. अगर वो राजनीति में आएगी तब भी तो हमारे लिए तो खुशी की बात होगी, गर्व की बात होगी और अब हम सबको अच्छा फील होगा. But some senior citizens in the town sounded skeptical. महंगाई ने हर आदमी की, गरीब वर्ग की कमर तोड़ के रखी. तो इसमें तो हम तो ये कहते हैं कि जयराम सरकार जी को जितनी जल्दी इसी हिमाचल से जो है तो मतलब विदाई होना जरूरी है. बेरोजगारी, पेपर लीक, सबसे यही चीजें हैं. और यहाँ मंडी में अगर आप सोचे में यहाँ कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है. A possible transition from the glamorous red carpet to the halls of power. Nothing is as valuable as a well-known name in politics. New challenges aside. With Manjeet Sehgal in Mandi, Bureau Report, India Today.
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज तक की इस हिमाचल पंचायत में। ज्यादातर तो चर्चा चुनावों की हो रही है, आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम नेताओं को आप सुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने खास दरख्वास्त की हिमाचल प्रदेश की यूथ आइकॉन आप ही सबके बीच में से निकल के बॉलीवुड की रानी बनी कंगना रनौत को कि आप आइए, हम आपके राज्य जा रहे हैं और यहां पे आपसे जानना बड़ा जरूरी है कि हिमाचल के युवाओं के सपनों का हिमाचल प्रदेश कैसा है। जोरदार तालियों के साथ शिमला में आज तक इस पंचायत में स्वागत कीजिए कंगना रनौत का। कंगना जी, स्वागत है आपका, और आप मुंबई से इतना दूर चल के यहाँ खास तौर से इस कार्यक्रम के लिए आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद राहुल जी। और मैं चल के तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मेरी जर्नी बहुत लंबी थी और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिमाचल में हिमाचल के भविष्य के बारे में अपने कुछ विचार सामने रखने की का एक मौका मिल रहा है। और चाहे जो भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी विजनरी हूं या मेरा कोई बहुत बड़ा विजन है, लेकिन एज समबडी जो यहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, यहाँ पे मेरा एक मातृभूमि आप कह लीजिए, मेरा परिवार यहाँ पे है, तो उस हिसाब से मुझे काफी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ का जो जीवन है लोगों का, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनकी इच्छाएं हैं, सपने हैं। तो मैं अपने कुछ विचार रखूंगी, हो सकता है छोटे हो बड़े हो, अगर आप सुन लीजिएगा। जी बेशक, इसी के लिए हम ये सेशन कर रहे हैं। हमने कई लोगों से जब चर्चा की कि आज तक की पंचायत हो रही है, उनको पता चला कि आप आ रही हैं, तो उनकी आंखों में एक तरीके से गर्व था कि एक लड़की जो कि हमारे ही यहां से निकल के बॉलीवुड में अब इतनी अपनी पहचान बना चुकी है, देश भर में अपनी पहचान बना चुकी है, सबके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं हुआ है। मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूं कि आप अपना विजन बताएं, एक यूथ आइकॉन के तौर पे इसी राज्य से निकलकर देश भर में अपने अपने नाम कमाया, आपके हिसाब से आपके सपनों का हिमाचल प्रदेश क्या है और कैसा है? सबसे पहले तो आई थिंक एक हमारे देश में एक जो देशभक्ति की लहर चली हुई है, वो कोई भी इंसान हो, आई थिंक एक बहुत ज्यादा किसी राज्य में आइसोलेशन से आइडेंटिफाई करना भी उस के खिलाफ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारा जो भारत के लिए एक ड्रीम है, वो एक माइक्रो लेवल पे जो है हर राज्य पे आता है, हर इंसान पे आता है, हर व्यक्ति पे आता है, जिले में, प्रदेश में, गांव में, पंचायतों तक आता है। तो विजन यही है कि देश जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रगतिशील देशों में से एक बने। और जहां तक अगर हम इंटायरिटी में देखें पूरे भारत को, तो इसमें इतने सारे राज्य हैं और हर एक राज्य की अपनी एक खासियत है। तो जैसे हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक खासियत होती है, उसी तरह से एक पर्टिकुलर जो, जैसे कि हम जानते हैं, जो जिस तरह से हम बैंगलोर के लिए जो चाहते हैं, या मध्य प्रदेश के लिए जो चाहते हैं, या साउथ का कोई देख लीजिए, या पंजाब हो गया, या हिमाचल का, हर एक राज्य की एक अपनी ब्यूटी है, खासियत है। अब सेम मॉडल, सेम स्ट्रक्चर, सेम सपना आपका सबके लिए नहीं हो सकता। और इंटायरिटी में हमें यही चाहना है कि भारत जो है वो आगे निकल के आए, दुनिया का नंबर वन देश बने, डेवलप्ड नेशनों में सबसे ज्यादा बड़ी ताकत बने। यही एक नेशनलिज्म, यही हमें सिखाता है कि हमारा देश जो है वो सर्वोपरि हो। यही हमें देश प्रेम भी यही सिखाता है। जहां तक हिमाचल की बात है, आई थिंक अभी तो हिमाचल बहुत ज्यादा रॉ है और उसके लिए एक तरह की जो इस तरह की एक स्ट्रक्चरिंग है कि गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से हमारा भविष्य होना चाहिए, उस तरह की आई थिंक जो विचारधारा है वो अभी अभी शुरू हुई है, जब से आई थिंक देश ने एक नई कॉन्शियसनेस देश में जो जागी है, नई चेतना का जो एक संचार हुआ है इस देश में 2014 के बाद, उसके बाद आई थिंक हिमाचल के तो कई हिस्सों में अब लोगों को लग रहा है कि वो भी भारत का एक परमानेंट हिस्सा है। क्योंकि आप इस राज्य में पली बड़ी हैं, आपने जिस तरीके से यहाँ पे अपनी परवरिश की, आपको क्या लगा कि क्या गैप है, क्या वो चीजें हैं जो कि आप चाहते हैं कि नेता उस पर फोकस करें जिस पर इस वक्त फोकस नहीं हो पा रहा है? जो सबसे पहले तो टू बिगिन विद, बाहर जैसे ही पहाड़ी लोग बाहर जाते हैं, या जिस तरह से लोगों को उनके लेके एक नजरिया है या परसेप्शन है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक मैंने जो महसूस किया था, एक इज्जत की बहुत कमी है। लोग जो हैं वो पहाड़ों से आने वाले लोगों को
उस दृष्टि से उस वक्त नहीं, अभी आई थिंक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी चेंज हुआ है, अलग अलग तरह की अफवाहें मेरे बारे में उड़ाई गई फिल्म इंडस्ट्री में कि ये पहाड़ी लोग हैं, ये ऐसा करते हैं, ये काला जादू करते हैं, ये खाना पका के नहीं खाते, ये कच्चा मांस खा जाते हैं, ये ऐसा ये, तो आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज इन्फॉर्मेशन की कमी थी, देश के साथ कनेक्शन की कमी थी, और हमारे ही नहीं बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट की मेरी फ्रेंड्स थी हॉस्टल में, उन्होंने भी सेम चीज, उनको कोई कुछ, कोई चाइनीज कह के चिढ़ाता था, कोई कुछ, तो कहीं ना कहीं वो एक भारतीयता की जो एक जो जो डोर हम सबको साथ में बांधती है उसकी कमी थी। और वो जो मैंने जैसा आपको कहा, नया नई चेतना के साथ में ये जो दुनिया में डिजिटली भी इवॉल्व हुआ है, तो उसके प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता आ रही है पहाड़ों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी आई थिंक उतनी नहीं है जितनी की बाकी राज्यों को लेकर है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप कह रही हैं कि एक नई चेतना जागृत हुई है 2014 के बाद, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि आपका परिवार तो काफी कांग्रेसी फैमिली थे, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर कांग्रेस की टिकट पे लड़े, वो जीते भी, वो फ्रीडम फाइटर थे सरजू सिंह रनौत, कांग्रेस के एमएलए रहे गोपालपुर से 2 बार, और आपको लग रहा है कि जितनी भी चेतना है वो 2014 के बाद ही जगी है। आप पूरी रिसर्च करके आए हैं। थोड़ी बहुत मैं एक राजनीतिक फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, और मेरे जो पिताजी हैं वो भी राजनीति को ही बिलोंग करते हैं। हमारा जितना जो एक आपको आप कह रहे हैं इकोसिस्टम जो है वो पूरा हमारे जो अंकल्स हों या जानने वाले एमएलएज हों जिनसे मेरे पापा काम, उनकी फाइल्स जो भी हो, मामा की ट्रांसफर होती थी, वो सारे हमेशा सारी उम्र कांग्रेस में ही, कांग्रेस के थ्रू ही मेरे पिताजी ने करवाए। जब 2014 में मोदी जी आए तो आई थिंक एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और मेरे पिताजी थे जिन्होंने मुझे पहली बार मोदी जी के बारे में बताया और उनके जो उन्होंने काम किए हुए हैं, और आई थिंक 2014 में हम लोगों ने ऑफिशियली भी कन्वर्टेड, क्योंकि आपकी मम्मी का बयान है ऑफिशियली कन्वर्टेड, उन्होंने कहा कि हम आते तो ठेठ कांग्रेसी फैमिली से हैं, लेकिन वो शुक्र मना रही थी अमित शाह जी का कि उन्होंने आपको सिक्योरिटी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जो फैमिली है वो बहुत स्ट्रांग कांग्रेसी फैमिली है। जी ऐसा नहीं है, आई थिंक अब तो मेरे पापा सुबह उठते टाइम जय मोदी जी और शाम को सोते टाइम जय योगी जी ही बोलते हुए तो ऐसा नहीं है कि उनमें पूरा वो कन्वर्ट हो चुके हैं, पर आई थिंक कहीं ना कहीं एक ही इंसान काफी होता है पूरी देश में, जैसे आपको कहा, जगाने के लिए या चेतना, और हमारा देश जो है वो उस एक इंसान की कब से, कई सदियों से, आई थिंक कहीं ना कहीं अटल जी के बाद या बहुत स्ट्रांग जो नेता हुए हैं हमारे, उनके बाद एक ऐसे इंसान की हमें जरूरत थी जो देश को गाइड कर सके, नेतृत्व कर सके, जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी के किस कार्यशैली से या उनके काम करने के किस तरीके से आप प्रभावित हैं कि आपको लग रहा है कि उन्होंने आके देश की कायापलट कर दी? सबसे पहले देखिए, जो मैं आपको एक, मुझे तो डेफिनेटली जो उनकी कर्मठता है, योगी रह चुके, वो मेरा एक अलग रीजन है, लेकिन मैं एक साधारण मानवीय के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मेरे पिताजी हो गए या माता जी हो गए, वो बहुत ही ज्यादा अप्रोचेबल हैं, बहुत ही ज्यादा रीचेबल हैं। जब वो किसानों के बारे में बात करते हैं तो वो मेरी मदर जो, बिकॉज मेरी मदर बहुत ज्यादा खेती करती हैं, तो उनके इश्यूज के बारे में बात करते हैं। जब वो बिजनेसेस को सिंप्लीफाई करने की, मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, उनके क्रशर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो वो उनके लेवल पे बात करते हैं। हर एक इंसान से वो पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, उनको ये लगता है कि मोदी जी हमारे घर के हैं, सबको ये फीलिंग है। आप किसी से पूछ लीजिए, आज मोदी जी हर एक को लगता है कि मुझे बिलोंग करते हैं, पर्सनली मेरे फैमिली को बिलोंग करते हैं। अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो लोगों को लगता है कि ये मेरा पर्सनल गेन है, और अगर कुछ खराब होता है तो लोगों को वो एक पर्सनल लॉस लगता है। तो जो एक लीडर की सबसे ज्यादा खूबसूरत और कामयाब बात है, और बाकी उनमें जो कॉम्पिटेंस है, जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री होने पे गुजरात में काया कल्प की थी गुजरात की, और अब पूरे भारत की जो उन्होंने जिस तरह से पूरा विश्व आज हमें विश्व गुरु मान रहा है, जिस तरह से उन्होंने कोविड को इस भारी जनसंख्या वाले देश में कोविड को हैंडल किया, उनकी हर बात काबिले तारीफ है। जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स हैं, ये तो सूची कभी खत्म ही नहीं हो सकती कि कितने ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं मोदी जी, वो उसकी तो कोई हम तो खासकर सिर्फ हमारे लिए तो पूजनीय है, लेकिन एक साधारण मानव
तक जो उन्होंने कनेक्ट किया है और भारतीयता का ये उनका जो नेशनलिज्म का जो एक एक मोटो है ये पहुंचाया हुआ है हर एक भारतीय तक, तब आज भी हम लोग, मैं यही आपको कहना चाह रही थी कि हमें वी हैव टू मेक हिमाचल को पूरे देश के संदर्भ में कि एक साथ में आके पूरे देश को कैसे प्रोपेल कर सकता है हिमाचल अपने आप को इंडिविजुअली, तो यस ऑफ कोर्स, बट पूरे देश के साथ में इस प्रोग्रेस की उसमें शामिल होके कैसे आगे प्रोपेल कर सकता है हिमाचल के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज। आप पॉलिटिक्स कितना फॉलो करती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत क्लीनली और ओपनली अपनी जो सोच है उसको रिवील कर रही हैं, और ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड के अपने करियर के बाद आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में हिमाचल के लोगों के लिए या देश के लोगों को कुछ फायदा पहुंचे उसमें आप घुसना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स का काम है, जो जनता की सेवा, चाणक्य ने कहा हुआ है कि अगर आप राजयोग में जाना चाहेंगे तो ये कोई सुख का मार्ग नहीं है, ये एक सही बात है। तो अगर जनता की सेवा करनी है और अगर आपको जैसा आपने कहा समाज के लिए कुछ करना है तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ का बलिदान करके या जो भी आपके खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं उनका बलिदान करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैंने अभी तो इस बारे में सोचा नहीं है और मेरे खुद की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके लिए भी मैंने काफी कुछ किया है, अगर कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिला कि अब देश के लिए कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, वो भी करेंगे। हमने काफी चर्चा की राजनीति की, पब्लिक सर्विस की, कुछ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ बॉलीवुड को लेकर, क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि बॉलीवुड में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। वो इसलिए क्योंकि जो भी फिल्म आ रही है, जो भी फिल्मकार आ रहा है, उसमें से बहुत कम फिल्में हिट हो पा रही हैं, हिट के नजदीक आ पा रही हैं, जबकि दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं, पुण्यम सेल्वम हाल में रही, कंतारा रही, जितनी भी फिल्में वो एक के बाद एक सुपर हिट, डुपर हिट, उनको अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। आप इस पूरे क्राइसिस को, इस पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं, आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉलीवुड हिट फिल्म डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा है और दक्षिण भारत से इतनी एक के बाद एक हिट फिल्में क्यों आ रही हैं? जो वैसे तो क्यों एक फिल्म चलती है और क्यों नहीं चलती उसका तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा लेवल पे एक एनालिसिस रहता है, लेकिन एक ऊपर से अगर हम बात करें तो जो भी फिल्में चल रही हैं इस टाइम पर अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा भारतीयता वाली फिल्में चल रही हैं। कंतारा भी देखें तो भारत का एक ऐसा पहलू, एक पक्ष दिखाया जाता है जो कि बहुत ही माइक्रो लेवल पे डिवोशन या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। PS1 भी वैसे ही रही है, चोलास के बारे में नाम सबने सुना था उसके बारे में। हमारा जो बॉलीवुड की जो है वो संस्कृति की से बिल्कुल दूर जाके कहीं बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हो चुके हैं और वहां पे कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होके वेस्टर्न फिल्में बनाने का जो उनका प्रचलन है और भारतीयता से दूर जाकर, तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग उनसे अब रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मेरी 20 साल एक फिल्म नहीं चली है और उससे भी मुझे यही सीख मिली कि शायद एक बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज कैरेक्टर जो है वो लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। लेकिन जो हम भारतीय हैं अब पहली बार जैसा मैंने कहा एक नई चेतना का ये हमारे उसमें वो हुआ है, तो भारतीय भारत में भारतीय प्राउड फील कर रहा है अपनी संस्कृति पे, अपने पहनावे पे, अपने अपने कलर पे, अपनी स्किन टोन पे, हर चीज पे भारतीय में एक देर इज अ सडन सेंस ऑफ प्राइड यू नो इन इंडियंस टुडे, और वो उस प्राइड को जो है कनेक्ट करना चाहते हैं उसके साथ में, और जो भी उनके साथ में उसको कनेक्ट करा रहा है ना उसको वो दे आर रूटिंग फॉर देम। RRR हो गई अब, एंड मैंने भी साउथ में बहुत काम किया, तलैवी मेरी फिल्म जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी वो भी देखिए भारतीयता से जुड़ी हुई है, और साउथ में मैंने जनरली देखा है कि लोग अपने कल्चर से, संस्कृति से, धर्म से काफी जुड़े हुए हैं और सभ्यता से, और ये चीज जो है अभी पूरे इंडिया में लोगों को बहुत ही प्रेरणात्मक लग रही है। आपने एक तरीके से मुहिम शुरू की थी बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ, सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ के बाद वो देश भर में मुद्दा बना, चर्चा में आया। अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं कि आपको लगता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म कम हुआ है, उतना ही है या बढ़ रहा? आई थिंक बॉलीवुड में नेपोटिज्म कम तो नहीं हो सकता क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक क्लोज निट सिस्टम है जो कि उस पर आधारित है, जो कि विच इज ओके।
लेकिन क्या अच्छी बात हो रही है कि अभी दर्शक जो है वो जागरूक हो गए हैं। जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया कि ये फिल्में साउथ की चल रही हैं, उनके जो एक्टर्स हैं, चाहे उनको उनका नाम पता नहीं है, चाहे उनको उनके फैमिली का नाम पता नहीं है, ये पहले यही दर्शक थे जो कहते थे कि यार वो देखो वो फलाने की बेटी है, एक्टिंग तो नहीं आती लेकिन थोड़ी थोड़ी उसकी तरह लगती है तो क्यूट है, यू नो, या ये फलाने का बेटा है, मतलब दिखता तो बड़ा खराब है लेकिन फिर भी यार चलो है तो उसका ही बेटा ना, वो मेरा फेवरेट हुआ करता था। तो ये हमारे ही देश की जनता थी जो डिस्काउंट देती जा रही थी इनको, लेकिन अब वो जनता बिल्कुल बदल गई है। अब वो जो है वो कह रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा, और ये जो जागरूकता है ये साधारण लोगों में आई है, और ये लोग कह रहे हैं कि आप अपना काम करके दिखाओ। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें कहीं ना कहीं स्टार कल्चर भी खत्म हो गया है, देर आर नो स्टार्स टूडे। वाई इज दैट, क्यों है कि स्टार कल्चर, क्यों, ये सही बात है, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, उस लेवल के आज के स्टार्स नहीं हो रहे, ऐसा क्यों है, क्यों स्टार कल्चर खत्म हो रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि आई थिंक वो जो एक जमाना था उसमें आपको एक हवा बनाया जाता था, चाहे मीडिया के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, या यू नो लोग राजेश खन्ना जी को देखते थे तो वो गिर के बेहोश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आपने उनकी इतनी एंटिसिपेशन बनाई है। ये मैंने कई लोगों से सुना है कि लोग खड़े खड़े बेहोश हो जाते थे राजेश खन्ना जब आते थे। तो क्या क्या मीडिया और क्या उनका एक वो रहा होगा, ऑरा रहा होगा, और आज वो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डिजिटल के थ्रू या जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके थ्रू, अब हर इंसान ने, अगर आप कोई भी बड़ा स्टार कोई पोस्ट करता है कुछ भी, तो 50 कमेंट आते हैं कि तुम्हारे बाल ठीक नहीं लग रहे, या तुम ये हो, या रोज ऐसे मत निकला करो, या 5 लोग अपने कुछ जो है उनको कमेंट करें। आप पढ़ती हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट? मैं तो नहीं करती, लेकिन मुझे लेकिन मुझे पता है ना कि लोग किस तरह के कमेंट करते हैं। तो वो एक इल्यूजन खत्म हुआ है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई है कि एक साधारण मानवीय आज इतनी थिंकिंग रखता है, इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि वो खुद निर्धारित करते हैं कि अगर मुझे अपना रोल मॉडल चाहिए तो मैं इनको क्यों बनाऊं, कि मैं श्री रामचंद्र को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं बना सकता, कि मैं ये महान इंसान को अपना, अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं बना सकता, या मैं ये जो भी हो, यू नो, किसी और फील्ड में हो, कि मैं उनको अपना रोल मॉडल, मैं इनको क्यों बनाऊं, लुकों को अपना रोल मॉडल। सो ये जो है ये साधारण मानवीय में ये एक चेतना आई है, जो इसका कारण है कि द स्टार कल्चर इज कम्प्लीटली रुइंड नाउ। ये ऐसा ही रहेगा आपको लग रहा है, या आपको लगता है कि ये चेंज हो सकता है, जो स्टार कल्चर एक तरीके से खत्म हो रहा है क्योंकि लगातार लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे? नहीं, स्टार्स तो होंगे, लेकिन अब लोग जो है उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है कि अगर तुम्हें स्टार बनना है, और अगर तुम स्टार, अब लोग जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे इस जगह पे क्या चैरिटी की, या आपने जो है ये 50 खुद मुर्गे खा के हमें भाषण दे रहे हो कि वेजिटेरियन बनो, या आपको हमने उस दिन देखा आप अपनी उसमें सगाई में इतने सारे पटाखे फोड़े, अब हमें भाषण दे रहे हो आप, ऐसा क्यों किया आपने? तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आई एम द राइट रोल मॉडल, और उसके लिए हाउ फार यू गोइंग टू लिव अप टू दैट और नॉट, डू यू हैव द स्टेमिना टू लिव अप टू दैट। ऐसा नहीं है, आज भी हमारे रोल मॉडल्स हैं, लेकिन जनता क्वेश्चन कर रही है और आप जवाबदार हो। पहले की तरह नहीं है कि फोकट में मीडिया वालों ने बोला कि ये सुपरस्टार है तो आप सुपरस्टार बन गए, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमने इंस्टाग्राम का जिक्र किया, वो इसलिए क्योंकि कंगना जी का ट्विटर से एक तरीके से लव हेट अफेयर है, और अभी अभी इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है, तो आपको लग रहा है कि इसी के साथ ट्विटर पे आपकी एक नई पारी की शुरुआत होगी, आप उम्मीद कर रहे हैं मिस्टर मस्क से? ट्विटर पे मैं 1 साल के लिए थी, और ट्विटर 1 साल भी मुझे नहीं झेल सका, सोचो, मतलब लोग 10-10 साल से ट्विटर पे हैं, और मुझे अभी इंस्टाग्राम पे 1 साल हुआ है पिछले मई, इस मई में, और मुझे 3 वार्निंग्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैंने कहा है कि मैं करती नहीं हूँ इंस्टाग्राम, और जब से मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मेरी टीम कर रही है, तब से सब ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे आना होगा वापस, तो आप लोगों की लाइफ बहुत सेंसेशनल हो जाएगी, और मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि मुझ पे केसेस शुरू हो जाते हैं थ्रू द मतलब सब जगह से, अलग अलग राज्यों से, और मुझ पे और भी ज्यादा मतलब लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मीडिया क्रेजी हो जाती है। सो मैं खुश हूं कि मैं ट्विटर पे नहीं हूं, लेकिन अगर मेरा अकाउंट रिवाइव होता है तो डेफिनेटली आप लोगों आपको बहुत मसाला मिलेगा। तो आप ये सोचती हैं कि मसाला देना है, कुछ करना है, उस तरीके से मसाला आता है, या आप अपने आप को नेचुरली एक्सप्रेस करती हैं और वो मसालेदार, चटाकेदार, एकदम पटाखेदार स्टोरी बन जाती है? आई थिंक जो
ट्विटर है वो एज अ मीडियम इट इज मोर आर्ग्यूमेंटेटिव ना, वहां पे एक कोई कुछ कहता है तो प्रश्न कर सकते हैं, उसको रीट्वीट करके आप उसके बारे में अपना एक किसी तरह के विचार रख सकते हैं आप. जबकि इंस्टाग्राम इज मोर अबाउट पिक्चर्स और इट इज नॉट इतना कम्युनिकेट नहीं कर सकते आप, किसी बात की पूरे दिन चर्चा नहीं हो सकती है. ट्विटर पे एक बात की पूरे दिन चर्चा की जा सकती है, मतलब बाल की खाल निकालने जैसा काम है और उसके साथ में फिर आपके साथ और लोग जुड़ जाते हैं, दिस विंग वर्सेस दैट विंग, तो फिर और भी मजा आता है, टीम्स बन जाती हैं. तो एक तरह से एंटरटेनमेंट ही है वो. और कभी शूट के बीच में, कभी शॉट के बीच में, समटाइम्स इट इज डन इन द स्पिरिट ऑफ फन टू टीज पीपल एंड टू हैव फन, क्योंकि कुछ किसी ने कुछ लिखा हो बकवास तो उनको थोड़ा सा उनके साथ में छेड़छाड़ कर लेना. कई बार गंभीर हो जाती है बातें क्योंकि आप यू टच्ड अपॉन वेरी सेंसिटिव थिंग्स और कुछ सेंसिटिव हो गया मामला. तो ये हर टाइप का होता है, बट ऐसा डेफिनेटली ऐसा नहीं होता कि एवरी डे आई थिंक दैट यू नो लेट्स रफल सम फेदर्स एंड लेट्स अपसेट पीपल, बट यू नो कुछ लोग होते हैं. आप चाहती हैं कि कंगना वापस आए ट्विटर पे, आपको लग रहा है ना ही हो तो बेटर है. एक सेकंड, माइक अगर आ जाए तो कैन समवन जस्ट टेक अ माइक ट्रंगल प्लीज. आप चाहती हैं कि आपकी बहन आए ट्विटर पे वापस या ना ही हो तो आपके लिए बेहतर है? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ वो आए क्योंकि वो हमेशा सही मुद्दे उठाती हैं. अच्छा, वो कह रही हैं कि आप बड़ी डरती हैं या उनकी टीम बड़ी डरती है कि ये खुद ट्वीट कर देगी तो बाद में फसाद होगा. ये लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं कि आप वापस. हाँ, क्योंकि सारे लीगल मैटर रंगोली देखती है तो इसको पता है कि इसका एक टाइम पे रंगोली वॉज हैंडलिंग सम 20 केसेस एंड फ्लाइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर टू अनदर टू अनदर. एंड सो डेफिनेटली यही देखती हैं सब कुछ लीगली जो भी है. हम तो आपकी तो पूछताछ भी हुई थी जब आपके खिलाफ शिकायत हुई थी आपको. बिल्कुल हाँ, मेरी बहुत. कैसी रही वो पूछताछ? कॉप्स? हाँ, कॉप्स तो मुंबई में बहुत अच्छे, पुलिस मुंबई पुलिस बहुत स्वीट है. आए, चाय वाय पिलाई, उन्होंने कहा मैडम बैठिए आप बातें बातें की, हम आ गए. बाकी तो क्या ही पूछताछ करनी होती है क्योंकि वो ट्विटर पे जैसे मैंने आपको कहा कुछ ऐसे ही फ्रिवलस से मैटर होते हैं. लोगों को क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड होते हैं जो FIRs होते हैं, तो आपको आपका बेसिकली तंग करना, आपको किसी तरह से शूटिंग में इश्यूज करना, ये सब करने के लिए आपको फंसा दिया जाता है. लेकिन उनके कुछ मायने नहीं होते हैं, वो कोर्ट वालों को भी पता होता है, कॉप्स को भी पता होता है. नहीं, पर क्योंकि आप मोदी जी के पक्ष में इतना ओपनली बोल रही हैं, इसके चक्कर में आपको लग रहा है अब आप विरोधियों के निशाने पर आ गई कि वो कोई वजह खोजते हैं कि कंगना को किस तरीके से अटैक किया जाए या कोई केस किया जाए या उन पे किस तरीके का हमला हो, और ये आपके लिए क्या एक सिरदर्द बन रहा है? मैं एक्चुअली, मुझे तो एक टाइम पे लगने लग गया था कि मैं कोई मिनिस्टर हूँ क्योंकि मेरी फिल्म जब हम लोग मध्य प्रदेश में भी शूट कर रहे थे तो कांग्रेस के सब लोगों ने मेरे स्टूडियो टेक ओवर कर लिए थे. वहां पे मेरी शूट रुकवा दी, फिर धरने हुए, फिर राजस्थान में मेरा चॉपर लैंड नहीं होने दिया, वहां धरने हुए, 2 दिन मेरी शूट कैंसिल होगी. तो अलग अलग स्टेट्स में जो है कांग्रेस के इतने धरने होते हैं, तो मुझे लगता है मतलब मैं हूं कौन, मैं मेरे लिए धरने क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो पार्टी को बिलोंग भी नहीं करती हूं. तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली, मैं इतना ज्यादा सपोर्ट करती हूं राष्ट्रवादी पार्टी को, तो लोगों को लगता है कि ये भी यू नो दिस इज अ पार्ट ऑफ द गैंग, जबकि मैं हूं नहीं. तो उसके करके मुझे काफी मुश्किलें भी आती है और उनका सामना भी करना पड़ता है. मोदी जी के बारे में आप क्या सोचती हैं, ये तो हमने सुन लिया. अभी राहुल गांधी निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, काफी सपोर्ट भी आ रहा है, लोग आ भी रहे हैं. हाँ, मतलब ये ना सच्ची में कमाल है. आप तो कैसे? नहीं, पर वाजिब सवाल है कि नहीं, पूरा निचोड़ रहे हैं ये सेशन को. निचोड़ने वाली क्या बात है, आप इतना दूर आई हैं और हम चाहते हैं कि लोग जाने आपकी राय. आप जानना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि पीएम के बारे में क्या सोच रही है तो हमें पता चल गया. वो काफी एक्सरसाइज भी कर रहे थे और काफी वॉक भी कर रहे हैं, 20-25 किलोमीटर हर रोज, और लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं. तो मोदी जी के बारे में आप क्या सोचती है तो मैंने जाना, राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचती है कंगना जी? देखिए, मोदी जी जो है वो इतने इनोमस कैरेक्टर हैं, यू नो लाइक वो एक इतिहास में इस तरह के महापुरुष एक बार ही कहीं बार आते हैं, कहीं आते नहीं है बहुत ज्यादा. तो और राहुल जी जो हैं वो अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. और इस बात का जो है सबसे ज्यादा, मैं हमेशा सोचती हूँ ऐसे कि ये एक्चुअली मोदी जी के लिए भी दुख की बात है कि उनका कंपटीशन राहुल, और राहुल जी के लिए भी दुख की बात है कि उनका कंपटीशन मोदी जी है. मतलब ये दोनों के लिए दुख की बात है. मैम को दे दीजिए पहला सवाल. हेलो मैम,
नमस्ते जी। नमस्कार जी। मैम, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपके अनुसार भारत जो है 2014 के बाद स्वतंत्र हुआ, जबकि हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप भारत के संविधान को अधिक महत्व देते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को? देखिए, जो मैंने कहा है कि आप अगर हर एक, जो चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो कंट्री है, उनके तीन पक्ष होते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, राइट। अगर आपको सिर्फ फिजिकलिटी में ही जाना है तो फिजिकली यस, जो संविधान कहता है, लेकिन द स्पिरिट ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रीड इन 2014। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम राइट, एंड ये मेरा अपना सेल्फ बिलीव है। मैं आपके लिए दूसरा संविधान नहीं लिख रही हूं, आप यू कैन चूज टू बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव, लेकिन ये मेरा सेल्फ बिलीफ है कि जो हमारे देश की स्पिरिट, जिसके प्रति हमने अभी बात की कि आज भारत भारतीय होने पे गर्व महसूस कर रहा है, हमारे चाहे वो पतंजलि हो, चाहे वो और इंडियन ब्रांड्स हो, दे हैव बिकम मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट्स लेना चाहता है, वो अपनी संस्कृति को लेकर शर्मिंदा नहीं है, अपने आप को लेकर शर्मिंदा। और ये कब हुआ? ये हुआ जब 2014 के बाद नेशनलिज्म की वेव आई पूरे देश में। ओके, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हम ये उम्मीद रखे कि 2024 में मैडम कंगना रनौत मंडी से लोकसभा का फेस होगा? सर, वैसे मेरी ऐसी तो कोई मंशा तो है नहीं, लेकिन हिमाचल के लोग अगर चाहेंगे कि उनको चाहिए कि मैं मंडी से खड़ी हूं, तो मुझे उसमें कोई आपता नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी चाहेगी तो भी मुझे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि और लोग आगे आएं, और लोग जो हैं राजनीति में, जो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा काबिल लोग भी हैं, तो मैं तो यही चाहूंगी कि हमारे से भी अलग और लोग राजनीति में आगे आएं। आज आप लोग यहाँ आए और मेरी कुछ बातें सुनी, और भविष्य में और भी मुलाकातें होगी, और थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बॉलीवुड्स क्वीन कंगना रनौत हैड बीन एम्बिवलेंट अबाउट एंटरिंग पॉलिटिक्स सो फार इन दैट इंटरव्यू दैट आई डिड एट द आज तक हिमाचल प्रदेश पंचायत। शी इज कैंडिड, forthright in her political ambitions, and I've had an opportunity since to speak to some of the senior most BJP leaders who seem to indicate that they would welcome Kangana Ranaut and would be open to the idea of her being a part of the BJP. Would Kangana make a good politician, or would she be shooting her mouth off and land herself and her party in trouble? To talk about the prospects of Kangana as a Neta, I'm joined on this broadcast by Shaina NC, spokesperson of the BJP, squaring off against her, Andrea D'Souza, and we have Rahul Ishwar joining us as well. Shaina NC, let me start with you. We've had an opportunity to speak on record and off record to some of the senior most BJP leaders who seem to believe that it's not a bad idea for Kangana Ranaut to be in politics. The BJP seems open to the idea of giving her a platform and taking her on board. Why is it that you believe that Kangana Ranaut has the trappings of a good politician? First and foremost, this question itself is speculation. So I would want to say, hypothetically, if anybody, be it for the film fraternity or any other professional background, choose to enter public life, they're welcome to do so. We welcome, because our party has 11 crore members, and Bharatiya Janata Party, being the largest political party in the world today, obviously has the tallest leader in Prime Minister Modi. And citizens alike, irrespective of their professional backgrounds, are so inspired by Prime Minister Modi that a lot of us who come from different backgrounds and different fraternities have chosen the path of politics to give back to society as Pradhan Sevaks, the way the Prime Minister is.
Now coming to Kangana ji, obviously if she chooses to join the Bharatiya Janata Party, she's welcome to do so, and we would definitely leverage on the premise that somebody who is giving of themselves to serve society is using the Bharatiya Janata Party not just as a platform but a genuine medium to serve society and the downtrodden. I think that is the way it has to be viewed. You have had film stars in the past who have been an absolute disaster. Govinda is one of those names that comes to mind, and you have had very successful actors and actresses like Hema Malini, Sunil Dutt, irrespective of which party they chose to join, who have conscientiously worked for society. And I hope that Kangana Ranaut, if she does choose to join the Bharatiya Janata Party, and which we hope would be a positive step in the positive direction, would do so with the utmost intent of serving society. And in that respect, there's no better platform than that of the Bharatiya Janata Party, because it is a party of opportunity, but it's also a party that believes in perform or perish. So if you perform, you will be given all the accolades you deserve. And I'm sure that on a positive note, that can only be a good sign in the days to come. Andrea D'Souza, you seem to believe that Kangana would not be suited for politics, that she'd make too many errors and she could be an embarrassment. Explain, why is it that you believe that the Queen can't be a good politician? Firstly, good evening to everybody, and thank you, Rahul, for having me on the show. Now, I have myself been a Bollywood reporter since 10 years before, and I know Kangana and the entire Bollywood very closely. That's the reason, one of the reasons I'm here today. And you know, Kangana, I've always found her a fickle-minded, an opportunist, a person who's always there, out there to grab opportunity, whether it's Aditya Pancholi or whether it's Hrithik Roshan. She has always done things to grab eyeball. So for me, she is a person who's an opportunist. Now, coming to politics, she always wanted to grab this kind of an opportunity from before. It's been 2 years back. She had tried to meddle into Sushant Singh Rajput's case purposely, just to get into, you know, she wanted to actually pave her path to politics. But then, back then, when you asked her the same question, she said, no, I'm not interested in politics. People's mind can change, as I said, fickle-minded. Until now, she doesn't agree. She says she may or she may not. So it's a question mark again. But I believe she was never a person who can be a good politician. Why? For a reason. Is that apparently that madam thinks that we got independence in 2014, when the reality is that everybody knows when we got our independence. And you know, that itself shows that the person is insulting our constitution, insulting our country, and besides insulting our country, insulting our freedom fighters who have given their laid their lives for the freedom. So that itself shows that how much of love she has for the country. So I don't believe she deserves to be. Rahul Ishwar, Kangana is playing the role of Indira Gandhi in the film Emergency, so she's got some on-screen practice of being a neta, but doing it in real life is quite different. Do you think she'd be able to survive in politics, as Shaina knows and many others do? Politics is a tough business. Rahul Kaul ji, Kangana ji is one of the greatest actresses we have seen, and one of the most marvelous artists in Indian Bollywood, Indian movie history itself. She has won one of the most maximum number of awards, and she is a person who is very conscious and cautious about social issues. She makes her position loud and known. And maybe, you know, some of the positions we may not agree. You know, I am also right-leaning. Kangana ji is all more of the right-leaning thing. But I humbly disagreed with her in Shah Rukh Khan's son's case, or Riya Chakravarti's case, or Sushant Singh Rajput's case. But she also has her own freedom. But she is a person who can bring attention to a matter, raise that matter. She is fearless. She, you know, embodies that defiance attitude. She is ready to take on the mighty. So she has a very good future in politics. And especially if she can be mentored by, you know, seniors in BJP or, you know, any other party for that matter, if she can be mentored in the right way, it would be really good. I am given to understand that she is coming from an illustrious family of people who were associated with Congress. But right now, Modi ji is a person who is a meeting point for minds
across the spectrum. So if she is inspired by Modi ji, she wants to dedicate her time, energy, resources and cost for the service of India, we should welcome her. Whether it is any person, like Shaina ji earlier said, whether it is any person, we should welcome them for the national service. And as Andrea ji pointed out, if there are some contentious position, you know, she will get evolved over time. But we should be welcoming such stars, because these are very big people, and ordinary people like us or like me will look up to them. When they raise a position, when they raise a debate, they can bring attention, they can bring focus on issues. No, I believe that will be a very good thing. She is a dharmic, she is more of the right-leaning, patriotic kind of person. So she will really enhance that spectrum in a huge way. Just like Sri Rajinikanth, had he entered politics, would have been a huge boost to the entire dharmic thing. Whereas Kamala Hassan is more of a left liberal. We have people from all spectrums here. So I believe Kangana ji will be one of the most valuable ads, just like Hema Malini, who really performed well as an MP, who really reached out to many people. I believe Kangana ji has a great future if she is mentored really well. When I asked this question, Shaina, to Kangana about her lifestyle, she said, you know, sometimes the kind of clothes I wear, I won't be able to wear those. So I also have to take a call in terms of a lifestyle change. And you, given your past life, also realize the challenges of having to be a certain way once you're in public life. When you are under the public eye, you have to be very different. The kind of scandals she brushes off her sari or brushes off her back right now, you can't live with. Any of those could consume you once you're in public life, Shaina. No, clearly, once you are in public life and in the public domain, there are lots of compromises that everyone has to make. But I think those are the compromises you make by choice. And if it's a hypocrisy, then I think that people can see through that. So it's not about what you wear and what you choose to do in your personal space, but it's how you are with public at large. And are you giving of yourself selflessly to public? That is what you're judged on. So I think the work is much more important than all these peripheral issues that you raised, Rahul. I would want to cite, because I come from a very different industry. I come from the fashion industry. And I remember when I fought my first election, people dismissed me and said, ye to saari pehnaati hai, isko rajneeti ke baare mein kya pata? So these are the stereotypical notions that one has, which is associated to a particular industry. But honestly, this is the time and day and age of politics of performance. If you are competent and if you are given the opportunity and you perform on your competency and not because of some kind of a tag which is attached to you, then I think that the sky is the limit, because really aspirational India is about people who want to do good. And it could be somebody from the film industry, it could be somebody from the social sector, it could be a bureaucrat. Look at the amount of bureaucrats who are in active public life and who have done phenomenal work because they have the experience to add with the administrative skill. So there are different skill sets which work for public. Obviously, if it is a film star, there is going to be that kind of adulation along with the recognition that you get, which is a step up in any case. What you do with it is actually, in the days to come, what public will judge you by. And I think Kangana, whether it was a Rekha who chose not to speak in Rajya Sabha. When I spoke to Kangana in Himachal Pradesh, and we had a lot of young people, especially girls, watching, what was very clear, Andrea, is that they think of her as an icon. They think of her as somebody who's risen from amongst them, who's now gone on to make a mark for herself in Bollywood. And in that sense, she has the love and the admiration of a lot of young Himachalis. And if she's going to be fighting from Mandi, that's a good calling card. On top of having the BJP ticket, that's a good calling card to get started with. So she would be quite formidable in the electoral field, Andrea. Absolutely, and I think it's I agree. I mean, I'm not denying that she is, Rahul, because go ahead, Andrea. No, it's okay. Carry on, Shaina. Shaina, can you carry on, please? Shaina, carry on, please. Okay. No, I just said what
I just said what Rahul said makes a lot of sense, because he's analyzed the situation where you have somebody who's a story of aspirational India, who comes from the state of Himachal Pradesh, and who is also made herself into a role model in terms of the choice of roles she's played, even in her film character. Now for her to take it forward and to translate it into real life politics, I mean, one wishes her well, and I hope that in the days to come, this is an example that we will be also deliberating. She fits in, Andrea, into the idea of New India. Somebody who doesn't come from privilege, doesn't come from Bollywood, and yet has risen to be at the top of her field, Andrea. Yes. Yes. Yeah. On this ground, Rahul, I completely agree to you. But she's not the only one who's done it. Deepika has done it. Priyanka has done it. There are so many women who have done it in the industry. Kriti Sanon has done it. So I won't take it away from her. She has also done it. But that doesn't mean that you play. I mean, have you seen the political propagandas that she has played lately, calling farmers terrorists, using Mahavikas Agari and using Sushant Singh Rajput's death for her opportunities. That's not required. She could have easily, if you are an actress, you are an icon, you are an idol for people, you have to do it yourself. You cannot climb up such situations and, you know, make yourself. She has done that. She has done that. There is no denial to it. She has used the farmer's situation. She has used Sushant Singh Rajput's death. She has done many things in that way. She has used Hrithik Roshan. She has used Aditya Pancholi. So okay. So you've heard different points of view. These things, I don't want to play judge and jury. A quick final word, Rahul Eeshwar, before I wrap up. Andrea, just one submission. You may remember, I was one of the very few people who strongly spoke in favor of Riya Chakravarti, who, you know, strongly argued that it was a suicide of Sushant Rajput. But people do have various opinion according to the information we receive or what is being publicized in media. See, you know, the positions may evolve, but the quality of a person, the stature of a person, the commitment of a person is more of a constant. So when we welcome such a person, it enriches our field beyond politics. It enriches Indian social life, Indian public life. And I know, rising from such backgrounds, she's an inspirational figure. It will improvise and inspire more women to come to the field. More young girls will be attracted to social service, to public service. And I think it will be a great thing. And coming from South India, we had Jayalalitha Amma. Jayalalitha Amma was one of the fabulous chief ministers, and she was also an artist. And she became one of the best chief ministers of her state. So there are various possibilities. Okay. I believe we all should welcome him. Welcome, sir. Well, what's clear is Kangana is interested. The BJP is open to the idea. And let's see what happens next. But what we've seen in that conversation is indication of intent on the part of the actor and an indication of willingness on the part of the party. So we'll track this story and see where it goes. For joining me on the News Track, thank you very much. We'll have our big Himachal coverage tomorrow at 8 p.m. on the News Track. I'll bring you Jabvi met with the Union IND Minister and another Himachali youth icon, Anurag Thakur. So do catch that on the News Track at 8 p.m. tomorrow. Thank you for tuning in. Goodbye, good night. अच्छा एक चीज बताइए, क्रिकेट आपका पहला प्यार है या पॉलिटिक्स? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया. क्रिकेट ही पहला प्यार है, क्योंकि क्रिकेट के माध्यम से ही राजनीति में आया. मैच में और चुनाव में ज्यादा अंतर नहीं है. ये पिच धीमी है, ये बॉल उठती नहीं है, तो भी आपके स्ट्रोक नहीं लगते. और चुनाव में भी मुद्दे कैसे हैं, माहौल कैसा है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है. Today Conclave, November 4th and 5th, Mumbai. Listen to Nitin Gadkari, Piyush Goyal, Eknath Shinde, Kiran Rijiju, Devendra Fadnavis, Aditya Thakre, K. Annamalai, Abhishek Bachchan, Varun Dhawan, Bhumi Pednekar, Professor Badri Narayan, Manu S. Pillai.
Rohit Kamath and Lavina Sirohi, Burgess Driver. Book your seat now. Visit www.indiatodayconclave.com. Conclave Mumbai 22. A day after the Gujarat bridge tragedy that killed over 130 people, Prime Minister Narendra Modi arrived in grief-stricken Morbi. The Prime Minister visited the accident site, going to the exact spot where the cable snapped. He was briefing about the tragedy by the State Home Minister Harsh Sanghvi. This is the place where exactly the Prime Minister was standing. He was observing the search operation and its process in the Mobi River. And this is where the Home Minister of State, Harsha Sanghvi, was briefing to the Prime Minister. The body language, and since the Prime Minister was listening more, speaking less, the body language, what one could anticipate that perhaps he was taking stock, that how this incident would have unfolded, clearly be the negligence part. From the accident site, Prime Minister went to the civil hospital where the injured are undergoing treatment. He interacted with the victims and expressed sympathy. मैंने मेरी घटना सब बताई वो सुनता था सभी हमारी घटना क्या हुआ था मैंने मोदी को क्या करा के पग में कैसा लगा है कैसा है I don't read the news. I read between the lines to tell you the true version of events. The true story of our times. To document grief, the toughest assignment for any journalist to be. From those who matter. Women politicians gonna stick up for each other. Of those who should matter. I document the truth. I don't distort the truth. I don't glamorize the truth. I don't gloss over the truth. The ghosts of India's contentious medieval history have come knocking again. I hustle for the truth, on the ground, in the newsroom, in the studio. I don't try to grab eyeballs. I inform you to make you see the point. To the point with Preeti Chaudhary, at these times, only on India Today. Co-powered by RK Marble, Khubsurat Imandari. In association with Geomart, Har Ghar Ka Mart. Tonight at 9 p.m. on the news today with me, Rajdeep Sardesan. Air quality has worsened across the national capital and several parts of North India. No end also to stubble burning in farms in Punjab. Do we have the right to breathe? What will it take to improve the quality of air we breathe? That's going to be the big talking point on the news today. Also, we'll have ground reports as Morbi picks up the pieces after the bridge collapse. All that and much more on the news today. Now we are so